नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस नरजा जी। आज हम बात कर रहे हैं पप्पू पास हो गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 10 और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार 12वीं में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौला ने सेकेंड डिवीजन पास हुए। आपको बता दे, पप्पू भरतौला ने तमाम छात्रों को जो फेल हो गए हैं उन्हें उन्होंने कहा है कि वो मेहनत करते रहें, एक न एक दिन वो पास जरूर हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि पप्पू भरतौला ने किस तरीके से एग्जाम की तैयारी की और उन्होंने 55 साल की उम्र में किस तरीके से 12वीं की परीक्षा पास की। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023, बीजेपी के पप्पू पास हो गए। पूर्व विधायक को यूपी बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा में मिले इतने नंबर। पप्पू भरतौला का कहना है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वे बिल्कुल भी निराश ना हो, तैयारी करें, हो सकता है अगले साल और अच्छे नंबरों से पास हो। यूपी के बरेली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौला यूपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं। उन्होंने इस साल यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। उनका कहना है कि बच्ची सीता और गरीब लोग उनके प्रेरणा बने, जिस वजह से उन्होंने इंटरमीडिएट किया और अब वे LLB करके मुफ्त में गरीब लोगों का केस लड़ेंगे। पप्पू भरतौला का कहना है कि योगी राज में यूपी बोर्ड में परीक्षा पूरी तरीके से नकल विहीन हुई है। उन्होंने बताया कि मैंने RN टैगोर इंटर कॉलेज में इंटर की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरी क्लास में 5 से 6 टीचर ड्यूटी पर तैनात रहते थे। छात्रों को दिया ये संदेश, पप्पू भरतौला ने कहा है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते दिन भर मुझे समय नहीं मिल पाता, लेकिन रात में मैं गेस्ट पेपर से पढ़ाई करता था, जिसके बाद आज मैं सेकेंड डिवीजन पास हुआ हूँ। पप्पू भरतौला के 3 विषयों में नंबर कम आए हैं, जिसके लिए वे दोबारा से अपनी कॉपी की जांच कराने की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव से मांग करेंगे। वहीं सोशियोलॉजी में उनकी डिक्टेशन आई है। उनका कहना है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वे बिल्कुल भी निराश ना हो, तैयारी करें, हो सकता है अगले साल और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। क्यों ठानी वकील बनने की? पप्पू भरतौला ने बताया कि उनको सीता घड़े में शमशान भूमि में मिली थी, जिसको उसके माँ बाप वहाँ दफन कर गए थे, जिसके बाद वो बच्ची बच गई और उसे पप्पू भरतौला ने अपना लिया और उसका नाम सीता रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से बच्ची किसी और अभिभावक को सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने LLB करने की ठानी, ताकि गरीबों का केस मुफ्त में लड़कर उनकी मदद की जा सके। इस वजह से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और आज उसमें सेकेंड डिवीजन पास हो गए।